सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज आप बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो। तो क्या हुआ था, इतने दिन क्यों वीडियो नहीं आई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली मैं इस माइक को यहाँ लगा लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस, इतने दिनों से वीडियो नहीं आने की वजह थी कि हमारा चैनल ओनली गेमिंग हैक हो चुका था, और वो मैं बताऊंगा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और मैंने उसको कैसे रिकवर किया। बाकी वो सारी प्रोसेस जो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ कि मेरे पास एक ईमेल आया था स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वो ईमेल था यानी वो फेक था। तो वो था मोवेवी कंपनी की तरफ से, जो कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसकी तरफ से था। तो उन्होंने नहीं, मतलब उनके जो स्कैमर था, हैकर था, उसने मेरे को ईमेल किया था कि हमें प्रमोट कर दो। यानी अब उसने जो ईमेल इतनी प्रोफेशनली रख रखा था कि मैं क्या करे, कोई भी इंसान उससे बन सकता आराम से। यानी उसने इतना यानी एकदम कम्प्लीटली उसने कर रखा था ईमेल को, इतना डिज़ाइन, वो मैं आपको ईमेल बता नहीं सकता क्योंकि जो मेरी आईडी गई थी उसके साथ वो ईमेल डिलीट हो गया था और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा था तो वो डिलीट हो गया। अब उसने डायरेक्ट यूँ लिख रखा था, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो मैंने उससे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट किया, उसने यानी मैंने उसको बोला क्या क्या प्रोसीड्योर रहेगा, यानी कैसे क्या करना है, कैसे। मैंने उससे सैम्पल वीडियोज़ भी मांगी, तो उसने पहले मेरा पूछा कि आप कितने रुपये में प्रमोट करोगे। तो हमने बता दिया था हमारी जो भी प्राइस है, वो बताने के बाद उसने डायरेक्ट हाँ कर दी। उसने यानी जैसे हर कोई आदमी सोचता होगा या फिर कुछ भी करता, उसने डायरेक्ट हाँ कर दिया हमने जो भी पेमेंट बताया उसको। उसके बाद उसने डायरेक्ट यू बोला, हमने उससे बोला ठीक है हमें भी आपकी डील पसंद है, तो अब इसके बाद उसने बस इतना सा बोला कि ठीक है मैं आपको सॉफ्टवेयर की लिंक भेज देता हूँ और उस लिंक से आप हमारा सॉफ्टवेयर जो कि मोवेवी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो हम समझ रहे थे, तो हमें लगा था वही भेजेगा तो हम उसी के भरोसे बैठे थे। तो उसने लिंक भेज दी डाउनलोडिंग की। अब यहाँ से पता चला, उसने लिंक तो भेज दी थी, हमें तब तक भी नहीं था पता कि वो लिंक ऐसा भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता था, पता था पर इतना भी सोचा नहीं था हमने कि ऐसा हो जाएगा। तो उस लिंक पे हमने क्लिक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, यानी मेगा ऐसी कोई एक वेबसाइट है मेगा, जहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से वो उसकी लिंक थी, हमने उससे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा। मैंने सबसे फर्स्टली मोबाइल में किया ताकि मोबाइल से पीसी में ले लूँगा, क्योंकि मैं घर पे था उस टाइम, मेरे यहाँ पे जहाँ पे हमने सेटअप कर रखा वहाँ पे नहीं था। तो मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब मैं सुबह आया यहाँ पे आने के बाद मैंने पीसी में डाल लिया वो सॉफ्टवेयर। अब वो ओपन नहीं हो रहा, यानी लिटरली वो ओपन ही नहीं हुआ। .exe फाइल थी, वो ओपन ही नहीं हो रहा, सेटअप ओपन ही नहीं हो रहा। मैंने यानी उसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो भी करके देख लिया, वो भी करा तो वो भी नहीं हुआ। फिर हमने उसी से पूछा कि सर ये सेटअप फाइल ओपन नहीं हो रही है, इसका हम क्या करें। तो उसने सिर्फ यही बोला कि आप एक बार रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके देखो, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो वो करके देखो उससे ओपन हो जाएगा। तो उससे ओपन हुआ ही नहीं, हमने पहले ही कर लिया था। तो उसके बाद जो हुआ है, उसके बाद हमने यानी ओपन यू नहीं हुआ, एक दिन ओपन नहीं हुआ, दो दिन ओपन नहीं हुआ, फिर उसने हमने तीसरे दिन वापस उसको बोला सर ओपन नहीं हो रहा है कुछ, उसने फिर बोला कि वेट करो थोड़ा, हमने बोला फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। फिर उसने दूसरी लिंक भेजी, दूसरी लिंक भी mega.nz उसी की थी, वही सॉफ्टवेयर था। फिर इस बार हमने उसको पीसी से डाउनलोड किया, पीसी से डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद वही का वही सेटअप आया, सेम सेटअप था जो कि पहले वाला डाउनलोड किया था। वो डाउनलोड करने के बाद हम वो भी ओपन नहीं हुआ, उसको भी ओपन बहुत करने की कोशिश करी, मैंने कंप्यूटर में सेटिंग्स देखी कि क्या पता कुछ प्रॉब्लम्स हो ओपन होने में, वो भी ओपन नहीं हुआ। उसके बाद तो गाइस मैं बैठा ही था दिन भर, यानी सुबह ओपन टेस्ट किया नहीं हुआ, फिर हम बैठे ही थे ऐसे ही, यानी हमारा दूसरा वर्क था वो किया,
फिर जब शाम को हम ऐसे बैठे थे उस टाइम मेरे पास एक यानी मेरा नेट बंद था और मेरे पे मैसेज आया कि आपका जो वो पिन आता है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ऑन रहता है तो वो आया। वो आने के बाद मैं यानी इग्नोर कर दिया मैंने उसको उस टाइम कि यानी ये तो होगा ऐसे ही कुछ यानी आ गया होगा गलती से, तो वो इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जब नेट ऑन किया तब मैंने देखा वहाँ पे जो मेरी मेन गूगल आईडी थी जिससे मेरा यूट्यूब चल रहा था उसके पासवर्ड चेंज हो चुके थे। मैं सब जगह से लॉग आउट हो चुका था। मतलब उस टाइम जो मेरी हालत हुई थी वो मेरे को पता है क्या हुआ था। तो उस टाइम में मैंने सब जगह देखा यानी मैं घबरा भी गया था उस टाइम कि मैं यानी ये क्या हो गया। फिर जब सब जगह टेस्ट किया सब जगह देखा तो गूगल अकाउंट तो चला चुका था, पासवर्ड चेंज हो चुके थे। हमने सोचा आप रिकवरी करके देखते हैं, रिकवरी किया तो उसने मेरा रिकवरी ईमेल भी चेंज कर दिया, रिकवरी मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। अब यानी हमने उम्मीद ही खो दी थी कि अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद नहीं हालत एक दो दिन तक तो यानी समझ नहीं आया क्या करें क्या करें। बहुत सारे यानी यूट्यूबर्स से भी पूछा यानी उनसे हेल्प भी मांगी, जो कि एक कूलटेक नाम का यूट्यूबर है उससे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी एक दो बार, तो उससे बोला उसने भी कुछ हेल्प नहीं करी, यहाँ तक कि रिप्लाई भी नहीं दिए। यानी इतना बड़ा यूट्यूबर बोल सकता हूँ तो उसने यानी रिप्लाई नहीं दिया, सीन कर लिया मैसेज पर रिप्लाई नहीं दिया, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो ये सब हुआ। उसके बाद हमारी टीम में यानी जो हमारी टीम है उसमें जो हमारा यानी वेब डेवलपर है उसके पास टेक बर्नर जो कि एक टेक बर्नर यूट्यूब चैनल है बहुत बड़ा है, तो उनके यानी उनकी टीम के एक मेंबर के नंबर थे जिनसे उसकी बात होती रहती है। तो उससे इसने बोला कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है तो अब उसको रिकवर कैसे करें। तो यानी उस टाइम उसने बताया कि ये तो नॉर्मल यानी नॉर्मल फ्रॉड है, तो आप एक काम करो ट्विटर पे ट्वीट कर दो यूट्यूब इंडिया को टैग करके, तो उससे यूट्यूब वाले आपको रिप्लाई दे देंगे। तो हमने वही किया, ट्विटर पे ट्वीट किया ट्विटर पे अकाउंट भी उसी टाइम बनाया, हमारा अकाउंट भी नहीं था, ट्विटर पे अकाउंट बनाया। ट्विटर पर अकाउंट बनाने के बाद हमने उससे ट्वीट करा, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो लिख दी। ट्वीट करने के बाद हमने यानी अपने सभी फ्रेंड्स को लिंक्स शेयर करी ट्विटर की ताकि इससे रीट्वीट बढ़ जाएंगे और यूट्यूब वाले रिप्लाई दे देंगे जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके। वो सब करने के बाद यूट्यूब वाले का अगले ही दिन रिप्लाई आ गया था। उन्होंने सारा यानी बताया कि उन्होंने यानी लिंक मांगी थी हमारे चैनल की कि आपकी चैनल की लिंक दे दो, और हमने यानी दे दी लिंक विंक सब कर लिया, उनसे बात बात सब हो गई। उन्होंने फिर हमारा एक एक्सटर्नल ईमेल मांगा था जो कि यानी ऐसे ही यानी कॉन्टेक्ट के लिए मांगा था, उन्होंने उस पे उस ईमेल पे टेम्प्रेरी एक्सेस दे दिया ताकि जिससे आप जो यूट्यूब की टीम हो उससे बात कर सको और उनसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। तो हमने उस एक्सेस से यूट्यूब टीम से बात करी, यानी इसमें बहुत टाइम लगा, समथिंग 10 दिन तो हमको इस रिकवरिंग में लग गए हैं पूरे जितने भी थे सब रिकवरिंग। फिर भी उम्मीद थी यानी नहीं थी कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि रिकवरी ईमेल चेंज हो चुका था, रिकवरी मोबाइल नंबर चेंज हो चुके थे, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी कोशिश नहीं मतलब कोशिश करते गए, हिम्मत हारी नहीं यानी। फिर गूगल उस जो यूट्यूबर हमारा टीम यूट्यूब का जो मेंबर था वो जो हमें सपोर्ट कर रहा था उसने बहुत हमारी हेल्प करी, मतलब पूरी टीम यूट्यूब ने हमारी बहुत हेल्प करी क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ करा, उन्हीं की वजह से आज वापस चैनल आ चुका है। तो फर्स्टली थैंक्स टू टीम यूट्यूब, उन्होंने बहुत हेल्प करी। और उसके बाद हमारा गूगल अकाउंट रिकवर हो पाया। सबसे पहले हमारा गूगल अकाउंट रिकवर हुआ जो कि गूगल की इंटरनल टीम ने किया, और बाकी जो यूट्यूब रिकवरिंग थी ये यूट्यूब टीम ने करी। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात कि हमारा रिकवर हो पाया। तो सबसे पहले अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है, मान लो अभी आप इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं अपन, तो अगर छोटा मोटा कोई यूट्यूब चैनल है आपका तो वो अगर ऐसे हैक हो जाता है, हमारी तो हमारी गलती की वजह से हैक हो गया था, तो अगर ऐसे हो जाता है तो आप यही करो, ट्विटर पे ट्वीट करो, रीट्वीट करवाओ। किसी से हेल्प मांगने से कुछ मतलब नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात यही चीज़ आप कर सकते हो जो मैंने करी। और अब से यानी जो रेगुलर वीडियोस आएगी जो हम पहले डालते थे उससे भी थोड़ा अच्छा कंटेंट कुछ भी करके आपको अब अच्छे से एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। और
आगे भी आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस मेरे को यही बताना था आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी थोड़ी अच्छी, अब यानी कल से स्टार्ट करना पड़ेगा वीडियो डालना, तो कल आएगी, बने रहना, जो प्यार पहले बनाया था वो वापस बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस।